अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आज ये इधर से गुजर रहा था तो उसाम भाई की दुकान पे माल रखा हुआ देखा था पिंजरों का, तो मैंने कहा इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं कि माल आया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, और अपने व्यूवर्स को जो है कहते हैं अपडेट देते हैं कि क्या रेट्स हैं और क्या हिसाब किताब है इनका। तो चले आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साम भाई, क्या साइज़ है इसका? ये साइज़ है 2 फीट चौड़ाई है, 1.5 फीट ऊंचाई है और 1.5 फीट इसकी गहराई है। चार खाने का है ये? चार खाने का है, 2x1 का। देख सकते हैं आप साइज़ इसका। और इसमें सिर्फ छोटा दरवाज़ा है ये वाला, फ्रंट पे बॉक्स लगता है, 3 दाने पानी की कटोरी का ऑप्शन है, हर सेंटर से 2-2 पीस इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। हमें कौन 14 नंबर का वायर है, फुल 14 गेज में है ये, जो फ्रंट पे लगा है वही इसके बैक पे लगा हुआ है, आप अपना हाथों से दबा के देखें अच्छे से। बाकी 14 नंबर का तार है और मजबूत तार से बना हुआ है माशाल्लाह से, चीज़ देखने से बता रही है कि जो अपनी ट्रे लगी हुई है ना ये साफ सुथरी है, गंदी हो रही है, अगर ये वो पापड़ वाली नहीं है, आप इसको अच्छे से देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। ये देखिए 12 खाने की ट्रे, देखिए 12 खाने की पिंजरे की ट्रे, ये अपनी जगह पर बेहतर है, जैसा पिंजरा है वैसी इसकी ट्रे लगी हुई है, ये ऑर्डर की केजीज है, 2x1.5 का साइज है, फ्रंट पे बॉक्स लगता है कटोरी का, सिर्फ ये बड़ा दरवाज़ा नहीं है इसमें, छोटा ही दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है आपके? सुना है कि आप केज लेने आए हैं उसाम भाई के पास? जी जी वालेकुम सलाम यार, मैं लेने तो आया हूँ उनके पास, ये 2 केज मुझे पसंद आए, लेकिन उसाम ये चार वाले, ये चार खानों वाले, लेकिन उसाम अभी दे नहीं रहे, बोला इतवार के अलावा हम देते नहीं, मैं बड़ी जिद कर रहा हूँ इनसे लेकिन ये दे नहीं रहे। क्या कह रहे हैं उसाम? मेरे को कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, लेकिन उसाम अभी बोल रहे हैं मैं तो सुबह आ जाएँ, आप सुबह बात करेंगे। अच्छा इतवार है ना सुबह? क्या सोचा आपने? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे दे दो, मैं भी ले जाऊँ, लेकिन बोल रहे हैं सुबह आ जाओ। चले हम भी आपके साथ रिक्वेस्ट करवाते हैं, इंशाल्लाह उसाम भाई मान जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे। अच्छी बात है ये कि आपका काम भी हो जाएगा। वैसे उसाम भाई मैंने भी यही सुना है कि उसाम भाई जो है इतवार के अलावा किसी और दिन माल नहीं देते। नहीं देते, सिर्फ इतवार को दुकान खोलते हैं सुबह। और उसाम भाई कितने बजे तक फारिग हो जाते हैं आप? हम सुबह इतवार वाले दिन गोदाम खोलते हैं अपना, 10:30 से 11 बजे तक के टाइमिंग में खोलते हैं। असल में आम दिनों में ना बेचने की अहम वजह ये होती है कि 2 पिंजरे हैं, 2x1.5 के चार खाने के, कई लोगों से फ़ोन पे बात हुई थी, अब हफ्ते की रात को मैं सेल कर देता हूँ, सुबह 10 बजे आदमी मेरे पास खड़ा होता है कि यार मैंने वो आपसे बात की थी, वो पिंजरा मुझे चाहिए, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, कोई मलीर से आया है, कोई लांडी से आया है, कोई कुरंगी से आया हुआ है। अब ये खालिद भाई रिक्वेस्ट करने के, मैं महमूदाबाद से आया हुआ हूँ और मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप ख्याल करें, तो मैंने इनको यही कहा कि मैं मेरे पास अभी बेचने का माल नहीं है, सिर्फ इतवार के दिन हमारा ये गोदाम खुलता है, सिर्फ इतवार के दिन, आम दिनों में बंद होता है, लोग चक्कर लगा लगा के बेचारे वो होते हैं, माल ही नहीं होता कहाँ से लाएंगे। तो साहब हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अगर हम आपको बोलेंगे यार खालिद भाई आपके भाई इतनी देर से बैठे हुए हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ हमारी भी रिक्वेस्ट आप इनको दे दें। और क्या पैसे आपने इनके मांगे? 8,500 रुपये, जो 8,500 रुपये का ये टावर है चार खाने का, 14 नंबर पर बना हुआ है और वो भी 8,500 रुपये का, 17,000 रुपये इन दोनों पिंजरों की कीमत बनती है। अच्छा तो खालिद भाई क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? हमने हमारा 17,000 रुपये का ये माल है, 17,000 रुपये में आप तैयार हैं लेने के लिए? तैयार हैं। मैंने इनको बोला सुबह आ जाए, यानी आप देने के लिए 17,000 रुपये में आप तैयार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुबह आके ये उठा के ले, सुबह आके ले जाएँ, वजह क्या होगी कि कोई दूसरा आदमी आएगा अगर पिंजरा लेने के लिए, कि यार मेरी बात हुई थी आपसे, कई कॉलर फ़ोन उठा उठा के बात होती है, कोई इनसे पहले आएगा मैं उसे दे दूँगा। तो अगर हम आपसे कहेंगे यार काफ़ी देर से खालिद भाई इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर इनको दे दें? दे दूंगा, मगर ये कि थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ये होता है अभी, मैं ठीक है मैं दे दूंगा। बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया होता हूँ भाई, चलिए खालिद भाई आपका काम तो करवा दिया, बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, और कुछ हुकुम? बहुत मेहरबानी। अच्छा खालिद भाई आपने मार्केट में और जगह कहीं के रेट लिए? जी लिए थे। क्या फ़र्क मिला आपको? मुझे फ़र्क मिला इसलिए मैं उसाम भाई से जिद कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। वो चीज़ कैसी है? अच्छी है। असल में मार्केट से इसलिए कंपेयर नहीं हो सकता
कि ये पुराना है, ठीक है, मार्केट वाला जो है वो नया है, उसके और इस रेट में फ़र्क नहीं आ सकता। अच्छा स्वामी, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, मार्केट के अंदर जो पिंजरे हैं वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के अंदर बन रहे हैं। वो नया बन रहे हैं ना, आप ऑर्डर पे किसी को देके बनवाएं, 8,500 रुपये का, 14,000 में बनवाएं, बना के देगा आपको। अच्छा, ये आधी कीमत पे आ जाता है? आधी कीमत से ऊपर ही बैठता है, आधी कीमत में तो खैर नहीं आता, मगर ये कि ऑर्डर पे उसको पैसे देके बनाने पड़ेंगे। खाली भाई 14,000 रुपये का बनेगा ही? बनेगा। अगर हम जैसे आप कोई फरीद भाई से पिंजरा उठाए थे, उसको छोड़ के हम किसी और से बनवाते हैं, तो कितने का बन जाएगा? अब ईमानदारी से अल्लाह ने अल्लाह को जवाब देना है। 14 का बनेगा तकरीबन। थोड़े वाले आएंगे से बना हुआ है, 14 नंबर का वायर है इसका, भाई ये बॉक्सेस क्या हिसाब है? ये खालिद भाई ने निकलवाए भाई, ये 100 रुपए का पुराना बॉक्स है, लपड़ का पुराना बॉक्स है, इसकी 100 रुपए कीमत है। खोल के दिखाएं, बॉक्स इन्होंने निकाले, आप अपनी मर्जी से कोई से भी खोल लें। देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ सुथरा बॉक्स है और इसके रेट भी हैं ये और अच्छे हैं। जो नहीं समझ में आ रहा वो आप हटा दें। राम भाई किस हिसाब से आपने ये बॉक्स दिया इनको? 100 रुपए का बॉक्स है भाई, ये तो बोल रहे हैं ये 20 बॉक्सों से 1,500 रुपए ले लो, मतलब 75 रुपए का एक बॉक्स पड़ेगा, और हम कह रहे हैं कि हम 100 रुपए से कम नहीं लेंगे। तो क्या रेप आया आपका बिल से भाई? 100 रुपए का एक बॉक्स है, गुंजाइश नहीं है इसमें कमी की। सवाई कर लो यार, मुनासिब पैसे हैं, आप यकीन करें। बहुत पुराना कस्टमर हूँ आपका यार। मेरे को मालूम है, मुझे ये बात मेरे इलम में है कि खालिद भाई के पास 4 से 5 सूटों के पिंजरे गए हैं। खालिद भाई बॉक्स तो देखो यार, प्लीज यार यकीन करो यार, वो नहीं है। अच्छा छाटी किया आपने अपने हाथ से? कोई इसमें मैंने ये तो नहीं कहा कि आपसे कि आप ये नीचे छोड़ दो वो छोड़ नहीं, दो आपने कुछ नहीं। खालिद भाई 75 रुपए कह रहे हैं और आपने 100 रुपए बोले? 100 रुपए बोले, ये 20 बॉक्स के 1,500 रुपए दे रहे हैं। पहले तो पिंजरे के पैसे दे रहे हैं आप मेरे को, अब ये 20 बॉक्स के 1,500 रुपए बोले, ये होगा नहीं, गुंजाइश में नहीं है। चलें यार सामने थोड़ा बहुत, ये गुंजाइश के साथ है, आप इत्मीनान रखें। आप अगर कोई हमारे अगर कोई हमारे चैनल के नाम से आते हैं तो आप क्या कहते हैं? चैनल के नाम से आएगा तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसे लुटाने के लिए तैयार तो नहीं है। लेकिन मैंने खालिद भाई की मोहब्बत में दे दे रहा हूँ, ये एक बात रह जाएगी। और किसी को भी चाहिए होगा ना आपके रेफरेंस के ऊपर, तो मैं 75 रुपए का दे दूंगा। 300 रुपए कीमत है इस डब्बे की, 300 रुपए। आप अंदर से कोई सा भी डब्बा निकाल के चेक करो, जो टूटा हुआ होगा उसके पैसे भी नहीं देना। अच्छा बताओ मैं, इन पिंजरों के क्या पैसे मांग रहे हो आप? जो 12 खाने का है और लकी स्टार वालों का है, ये 3 दरवाजे हैं इसके, कितना इस्तेमाल हुआ हुआ आपको बना के लगाई इसके। ये तार कौन से गेज का है इसका? ये 14 नंबर इसके फ्रंट पे लगा हुआ, बाकी सब 16 नंबर है। आप देख सकते हैं कि आगे का तार जो है माशाल्लाह से मजबूत तार लगा हुआ, पीछे का तार जो है थोड़ा सा पतला है ये। हाँ, ये जो हम नया पिंजरा खरीदते हैं ना, जितने भी नए पिंजरे बने हुए हैं मार्केट में, वो 16 नंबर की वायर में होते हैं, या फिर 14 फ्रंट पे लग जाता है और 16 बैक पे लगा हुआ होता है। ट्रे वगैरह कोई गली भी नहीं होगी इंशाल्लाह। इन सब पिंजरों में जितने ही पिंजरे, एक ट्रे में छोटा सा सुराख है बस, बाकी सारी ट्रे पिंजरों की साफ सुथरी। लकी स्टार वालों को कह जाइए पहले आप नए का पता कर लें और फिर आप लीजिए। सेंटर से जो है ये 6-6 पीस अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये 2 पीस में हो जाता है। 2 पीस में आप 6-6 करके लगा लें। अच्छा मुझे ये देना पूरा ही है, आप चाहे इसको 2-2 करके लगा लें, मगर 6 खाने नहीं देना, पूरा सेट देना है। स्लाइडली यूज केजीज है ये। अच्छा, और इसकी भी कंडीशन देख लें आप, ये भी इसी तरीके से 6-6 पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे। ज़बरदस्त, ये सेंटर से ये किसी ने ऑर्डर पर बनवाए थे, मगर ऑर्डर पर बनवाने का मकसद है कि इसमें वायर वगैरह नॉर्मल लगा हुआ है, जो नए पिंजर में लगा हुआ होता है, सिर्फ सेंटर से 2 पीसों में हुआ हुआ है। आप देख सकते, आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रे है सबकी माशाल्लाह साफ सुथरी ट्रे है, और ना कोई इतनी भारी ना कोई इतनी हल्की, नॉर्मल ट्रे है बस। लकी स्टार वालों का ये भी इस तरीके से 6 पोर्शन अलग हो जाएंगे। तो सामने ये भी वही है, ये भी वही 12 खाने का पिंजरा है, लकी स्टार वालों का पिंजरा है।
मुझे भी साफ सुथरी नजर आ रही है। और दूसरा ये कि उसाम भाई कितने पिंजरे आपके पास? ये मेरे पास चार पिंजरे हैं जो कि एक जैसे हैं, मतलब लकी स्टार वालों को किसी ने बनवाए थे, छः छः पीस अलग अलग हो जाते हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, उनकी चढ़ाने में आसानी होगी। बारह खाने का पिंजरा आपने देखा होगा, नहीं मैंने तो वन पीस में देखा है अभी तक, जो देखा है वो वन पीस के अंदर देखा। और दूसरा जो आता है वो छोटे हाइट का आता है, जो नॉर्मल मिलते हैं ना वो बारह खाने के वन पीस में मिलते हैं। आप किसी को पैसे देंगे, उससे तैयार करवाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार मुझे, वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और उसको दो पीसों में करके दे देते हैं। और काम ये बराबर में जो पिंजरा रखा हुआ है, ये बराबर में जो रखा हुआ है ये पांच खाने का है और 14 नंबर की वायर है और गैलोनाइज में बना हुआ है। इसके फ्रंट पे भी 14 लगा हुआ है, इसके बैक पे भी 14 लगा हुआ है। ये 14 नंबर वायर जो चारों तरफ 14 नंबर वायर है, इसके चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ सब तरफ 14 नंबर का तार है। इसके पैसे क्या हैं और इसके पैसे जो आपने बताए इसके क्या हैं? इसके 10,000 रुपये मांग रहे हैं भाई, 12 खाने के पिंजरे के, इंतहाई मुनासिब है। आप पहले नया पता कर लें, लकी स्टार वालों का स्टिकर है, लोकल में नहीं जाइएगा, पहले लकी स्टार वालों से पता कीजिएगा 12 खाने का पिंजरा कितने का मिल दे रहे हैं, ठीक है भाई? और फिर आप आगे इसको देख लीजिएगा। तो हम भी पाँच खाने वाले के क्या पैसे हैं? इसके 9,000 रुपये। फ्रंट पे भी 14 नंबर लगा हुआ है, इसके बैक पे भी 14 नंबर लगा हुआ है। गैलोनाइज वायर है, इसको कोई कलर वगैरह हमने मारा नहीं है, आप देख सकते हैं। चार पैर पे बना हुआ है, साइडों में एंगल लगा हुआ है, और ये 14 नंबर है। इसके 9,000 रुपये। फ्रंट भी 14 नंबर का है, इसका बैक भी 14 नंबर, हर तरफ से 14 का तार लगा हुआ है, एक जैसा वायर है। ये इसका बड़ा दरवाज़ा आ गया भाई, उठा के देखना अच्छे से, इसको मोड़ के देखना, अंदाजा हो जाएगा। भारी ट्रे लगी हुई है, बहुत भारी नहीं है मगर अच्छी ट्रे लगी हुई है, साफ सुथरी ट्रे है। हाँ, उस जो नॉर्मल पिंजरे मिलते हैं रेडीमेड, उससे भारी लगी हुई है। और जाली को दबा के देखना अच्छे से, दबाइएगा जोर से ताकि आपको पता चले साइड से अच्छे से, और जोर से दबाएं, और जोर से ताकि टूटेगा तो मेरा टूटेगा भाई। मैंने तो जितना जोर था उतना लगा दिया सारा इसके ऊपर। ये गैलोनाइज वायर है और 14 नंबर के वायर में बना हुआ, इस वजह से ये टूट नहीं रहा। टूट भी जाता है अगर बहुत ज़्यादा जोर से दबाएंगे, टूट जाएगा 14 के तार है, मगर अच्छा मजबूत बना हुआ है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैं जितनी ज़ोर से दबाया था तार बेंड हो गया, लेकिन तार का टाँका नहीं टूटा। जो सामने जो आपके पास रखे हुए ये कौन से हैं? ये 8 खाने का 2x2 का पिंजरा है, फुल 14 गेज में है, फुल एंगल फ्रेम में है, अच्छा खूबसूरत पिंजरा है। इसमें ये जो बीच का पार्टीशन निकल जाता है झोपड़ी वाला है, बहुत भारी और मोटे एंगल पे बना हुआ है, फुल एंगल फ्रेम है, 14 नंबर का तार है, चारों तरफ से एक जैसा है भाई, सब तरफ से एक जैसा वायर है, जो फ्रंट पे लगा हुआ है, इसके बैक पे लगा है, इसमें ये दरवाजा है साइड के ऊपर, आप देखें किसी ने जबरदस्त यार ये अच्छी चीज दी हुई है। आप अंदर से हाथ मार के चेक करें, आपको आइडिया होगा। बहुत मजबूत और भारी पिंजरा बना हुआ है ये, किसी पीछे से देखें, अच्छे से दबाएं, जोर से पूरा जोर से दबाएगा। हमने पीछे कलर नहीं मारा क्योंकि ये गैलोनाइज है, इसकी जो खासियत है वो छुप जाएगी। ये जो वायर चल रहा है ये गैलोनाइज है, ये जो चल रहा है इसमें ये लोहे का है, बाकी सारा जो है ये गैलोनाइज है। बहुत भारी बना, आप चेक करो, अच्छे से दबा के चेक करो भाई। नहीं मैं उठा के चेक करा, वाकई बहुत भारी है और माशाल्लाह मोटे एंगल के अंदर और फुल एंगल फ्रेम है। अच्छा फुल एंगल फ्रेम है, आप गरीब बहुत ज़्यादा मोटे एंगल में बना हुआ है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि एंगल इसका जो है कम से कम शॉप का कोई मोल नहीं होता। आप ये देखें ना, ये एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, पिंजरे के अंदर होता नहीं। अगर यही दरवाजा
शरीर वाले पिंजरे के अंदर बन जाए तो वो पिंजरा नहीं है, इसके अंदर से आप कुछ भी डाल सकते हो कि कबूतर की फटकी हो गई, दूसरा जो है कॉकटेल वगैरह की हंडिया वगैरह आराम से जा सकती है। आराम से बड़ी बड़ी आपने निकाली उस वाले पोर्शन में भी डालनी है, रिंग नेक लगाना चाहे आप रिंग नेक लगा लें। उस पोर्शन में डालने के लिए पार्टीशन हटा के आपने डाल के पार्टीशन लगा दिया, फिर दूसरे में डाल 14 नंबर का इसका दबा के चेक करें। मैं दबा के चेक कर रहा है, मैंने तार माशाल्लाह से बहुत भारी पिंजरा है ये और अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है। ये सामने इसकी ट्रे निकाल के दिखाइएगा जरा हमें। ले जाए एक जगह पर ले जाके रख दें, 4-5 साल अपनी जगह से इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। ट्रे वगैरह एक टाइम आता है ऐसा कि गल जाती है, अगर इसमें जो ट्रे लगी है वो भी बाउंड क्लास की लगी है, आप उठा के देखें आपको अंदाजा होगा ये ट्रे लगी है इसकी, आप उठा के देखें बिल्कुल भारी ट्रे है। मैंने उठाई है, भारी ट्रे है, मेरे को नजर आ रही है वो लगी हुई है, बहुत भारी है व्यूअर्स, अच्छी ट्रे लगी है साफ सुथरी। वो हल्का फुल्का अगर जंग वगैरह आ जाता है तो वो बुरा लगता है, भीड़ भी बुरी लगती है। ये कलर लगा हुआ जो मुश्किल निशान लगा हुआ, वो कलर लगा हुआ। इस पिंजरे की कीमत जो है फुल एंगल फ्रेम का है 14 नंबर के वायर में 25,000 रुपए इसकी कीमत है। बहुत अच्छा है, बहुत आउट क्लास बना हुआ है, मगर ऑर्डर का पिंजरा है, बहुत शानदार पिंजरा है। और ये बराबर वाला है, ये क्या चीज है बराबर वाला, जिसे ये 2x2 का पिंजरा है। अब इसकी कीमत 25,000 रुपए है, ठीक है, ये 16,000 रुपए का है, ये भी 2x2 8 खाने का पिंजरा है, 16,000 रुपए का है। ये सेंटर से दो दो पीसों में अलग अलग हो जाता है इस तरीके से, जबरदस्त सामान रखा हुआ है, देख रहे हैं। जी जी मैंने देखा ये, मगर वही वाली पोजीशन है 2x2 का 8 खाने का। इसकी ट्रे देख लें, ये मैंने बनाई नहीं है, जो पिंजरे के साथ जीनियन आती है वो देख लें आप, उठा लें जैसे पैसे हैं ऐसी चीज है ये। व्यूअर्स उस पिंजरे के मुकाबले में इसकी ट्रे थोड़ी सी हल्की है, लेकिन उसकी जो है बहुत भारी ट्रे है। इसका जो फ्रंट 14 नंबर का बना हुआ है, इसकी बैक 16 नंबर की बनी हुई है, साइडों पर पतला तार है, ये आप देख सकते हैं, मैं दबा रहा हूँ इसको, इसकी लचक देखें और इसकी लचक देखें कितनी है, ये आगे मोटा तार है, पीछे जो है पतला है। ये 3-3 दाने पानी का ऑप्शन बना हुआ है, ये इसका दरवाजा है, बीच से स्लाइड निकल जाएगी, साइडों पर बॉक्स लगाने का ऑप्शन है। अगर हम कोई नया पिंजरा 2x2 का खरीदने जाते हैं किसी दुकान से तो हमें 24 से 25 हज़ार रुपये का ये नया मिलता है, ये 16,000 रुपए का मिलेगा। टे वगैरह साफ सुथरी है, आप मार्केट टच कर लें। अच्छा साहब मैं एक चीज इस पिंजरे में मैंने देखी कि इसके अंदर व्हील लगे हुए हैं, इसमें व्हील लगे हुए हैं, अगर ये व्हील छोटे लगे हुए हैं इस पिंजरे के हवाले से जो है ना, अगर कोई बोलेगा तो मैं काट के भी दे दूंगा। ये 8 खाने का पिंजरा है, सरिये में बना हुआ, 2x2 का है, 4-4 पीस अलग अलग हो जाते हैं, 14 है और पीछे 16 नंबर लगी हुई है। ये रेडीमेड मटेरियल में जो बना हुआ पिंजरा मिलता है ना भाई, ये वो है 16 नंबर में और 14 नंबर में, फ्रंट इसकी 14 है, बैक इसकी 16 है, सारी ट्रे इसकी साफ सुथरी है, आप देख लें कोई खराबी नहीं है। ये पार्टीशन बीच का निकल जाता है भाई, ये इसका बड़ा दरवाजा है, सेंटर से 4-4 पीसों में अलग अलग हो जाता है भाई, आसानी से आप ऊपर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, मगर वही बात आएगी, ये 14 और 16, इसकी बैक जो है वो 16 नंबर है, साइडों पे इसके बॉक्स लगाने का ऑप्शन है। यानी कि जैसा मार्केट के अंदर नया पिंजर रेडीमेड में मिलता है तैयार, वो वही माल है, वही चीज है। 25,000 रुपए इसके नए की कीमत है, पहले आप मार्केट टच करके आ जाए, कोई 24 का देगा कोई 25 का देगा, 16,000 रुपए का मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा कलर वलर हुआ है, नई जैसी कंडीशन है, कोई ट्रे खराब नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके बराबर में ये फिर ऑर्डर वाला केजीज आ गया, ऑर्डर का बना हुआ है, फरीद भाई पिंजरे वाले हैं, फुल एंगल फ्रेम का पिंजरा है, फ्रंट 14 नंबर है और इसकी बैक भी 14 नंबर है, ये साइडों में इसके दरवाजा किसी ने ऑर्डर पे बनवाए थे अपने हिसाब से, बड़ा दरवाजा बना हुआ है, एक उस पिंजरे में बना हुआ है, एक इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये इसका पार्टीशन निकल जाता है और ये गैलोनाइज में है, इसका ये तार चेक कर लें दबा के हर तरफ से, अंदर से आगे से पीछे से, बहुत भारी पिंजरा बना हुआ है और बहुत भारी बना हुआ है, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और ये भी सेंटर से दो दो पीसों में अलग अलग, अच्छा ये अच्छी चीज है, ये इसके अंदर ये अच्छा ऑप्शन है कि आप 4 पीस उठा के अलग ऊपर लेके जा सकते हो आराम आराम, इसके बीच में अगर उंगली आ जाए ना तो वो कट जाएगी,
इतना भारी बना भाई। ये भी एंगल फुल एंगल फ्रेम, फुल एंगल फ्रेम है, ये पट्टी नहीं है, चादर बैंड करके नहीं बनाया, फुल एंगल फ्रेम है और पूरा गैलोनाइज है। पीछे की तरफ कलर में मारा है, बड़ा पिंजरा है, हटाने में थोड़ी सी दुश्वारी है, जब भी हटा के दिखा देता हूं आपको। अब हटा के अगर हमारे व्यूवर्स को दिखा दे तो बहुत अच्छा है। ये कलर इसलिए नहीं मारा पीछे की तरफ, ये पट्टी पे तंग आएगा, तारों पे नहीं आएगा भाई। फुल एंगल फ्रेम में आप दबा के देखो पीछे से, आपको पता चलेगा भाई। नहीं मैंने दबा के देखा, बहुत अच्छे और मोटे उसमें बना हुआ है माशाल्लाह से। सबसे अच्छी बात ये है कि चार पीस अलग हो जाते हैं और चार पीस अलग हो जाते हैं। पूरा खुलता है, चारों पोर्शन खुलेगा, एक साइड पे बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी वही ऑप्शन है जैसे उस वाले के अंदर है, बड़ा दरवाजा। आपने कुछ भी बड़ी हंडिया वगैरह डालनी है तो आप अंदर रख सकते हो। किसी से भी आपने रेट मालूम करना ना कि यार 25,000 रुपए का तो नया मिल रहा है, उससे पूछे कि यार मुझे फुल 14 नंबर का और फुल एंगल फ्रेम में मुझे पिंजरा चाहिए 2x2 का 8 खाने का, वो आपको पैसे बता देंगे खुद ही। और उससे पूछे मुझे इतने मोटे एंगल में बना हुआ चाहिए। इसमें एक खास बात है, आप इसमें उंगली डालें आपको पता चलेगा। नहीं मैंने देखा, तार करीब करीब तारे इसकी लगी हुई है। उंगली डालें, रेडीमेड में आपको अंदाजा होगा। इसमें उंगली डालें, आगे से पीछे से सब तरफ से आप इसका गैप चेक कर लें। नहीं मैं देख के चीज देखी है व्यूअर्स, और चीज देखने के बाद मैंने उसाम भाई से पूछा है कि इसकी ट्रे अभी बनेगी, बनी नहीं है, जो भी लेगा उसको हम ट्रे, इसमें नई ट्रे डाल के देंगे आप। हाँ, मुनासिब ट्रे होगी, बहुत भारी नहीं होगी, वो बहुत हल्की नहीं होगी। 25,000 रुपए का पिंजरा दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी ट्रे, ये वाली ट्रे होगी, ये लगी हुई इस पिंजरे में, इस वाली चादर की ये ट्रे होगी भाई। हाँ, जो साइज में बनेगी साफ, ये भी हल्की ट्रे नहीं है कि बहुत ज्यादा हल्की हो, ये वाली ट्रे लगी। इसी का एक दूसरा भाई रखता हूँ, सेम चीज है, इसमें दरवाजे का ऑप्शन नहीं है, साइड पे बॉक्स का ऑप्शन बनेगा, तार गैलोनाइज में, मतलब एक ही फरीद भाई के हाथ के बने में, ये मोनोग्राम लगा हुआ है, ये गोल मोनोग्राम लगा हुआ है। इसकी ट्रे वगैरह आप चेक करें, चार चार पीस अलग अलग हो जाएंगे। ये भी जस्सी चादर की ट्रे बनी हुई है, हर खाने के अलग अलग साफ सुथरी ट्रे है, तो खराबी नहीं है भाई। ये भी भारी ट्रे का बना हुआ है और माशाल्लाह भारी पिंजरे हैं ये। इसकी कीमत भी 25,000 रुपए भाई। और इस तरफ आया है, 2 फीट चौड़ाई है फ्रंट जो है, 2 फीट है इसका। हाँ, फ्रंट तो 4 फीट हो गया। अच्छा। एक पोर्शन की चौड़ाई जो है वो 2 फीट है, गहराई 1.5 फीट है और ऊंचाई भी 1.5 फीट है। फुल एंगल फ्रेम में बना हुआ है, 14 नंबर के वायर में बना हुआ है, जो फ्रंट पे लगा वही इसके बैक पे लगा है। साफ सुथरी इसकी ट्रे लगी हुई है, आप देख लेना अच्छे से। हमने भी दिखाई है, आपने मेरे को नई ट्रे लगी हुई है। इसका लोकल से वास्ता नहीं है, नॉर्मल जो बना हुआ मिलता है वो पिंजरे नहीं है भाई। ये भी फुल एंगल, छोटे एंगल में बना हुआ है, मगर भरपूर भारी बना हुआ है। नहीं, फुल एंगल फ्रेम का, ये फुल एंगल फ्रेम का है। ये 1.5x2 का साइज है, गहराई इसकी 2.25 फीट है, 21 इंच की गहराई है। ये पूरा 1 पीस में और 18,000 रुपए का पड़ेगा भाई। और सामने जो बराबर में रखा हुआ है ये क्या है? बराबर में रखा हुआ है, ये साइडों में पट्टी लगी एंगल है, ये सारी चादर है, ये एंगल नहीं है, चादर को बैंड करके जो बनाते हैं वो है। फ्रंट इसका 14 नंबर है, बाकी सब तरफ से 16 नंबर है। यानी कि रेडीमेड मटेरियल आप जिसको कहते हैं, अब तो रेडीमेड में भी बहुत हल्का आ रहा है भाई। ये पुराना रेडीमेड है, ये क्या कह रहे हैं आप, जो पहले रेडीमेड में बनता था वो कुछ बेहतर बनता था, अब तो रेडीमेड में इससे भी गया गुजरा हो गया भाई। ये इसकी ट्रे लगी हुई है, साफ सुथरी है, हल्की है, बस दरमियानी क्वालिटी, साफ सुथरी ट्रे है, किसी भी ट्रे में खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर किसी में छोटा मोटा सुराग होगा तो आपको बता के दिया जाएगा। ये जितना लगा हुआ है ना, सिर्फ साइडों का एंगल है, बाकी सारी ये चादर की पट्टी है, ये भी चादर की पट्टी है, ये भी पट्टी है भाई, ये भी पट्टी है, ये 16 नंबर का वायर है, आप चेक कर लें, दिख रहा है 16 नंबर, बिल्कुल पतला तार है। 9,000 रुपए बिल्कुल मुनासिब कीमत है, गुंजाइश के साथ। और ये जो बराबर यही पिंजरा मार्केट से खरीदते हैं तो आपको आइडिया होगा 14-15 हजार रुपए का है भाई। और जो बराबर में जो रखा हुआ है ये यही जो ये आइए नॉर्मल सरिये के अंदर, पहले एंगल साइड पर लगा होता था, पट्टी लगती थी यहाँ पर, अब सरिये में आ गया। ये भी 9,000 रुपए का भाई, बिल्कुल मुनासिब प्राइस है गुंजाइश के साथ। इसमें साइडों पे बॉक्स लगाने का ऑप्शन है, ये इसका बड़ा दरवाजा है, ऊपर 1 खाना है, 7 खाने हो गए, टूटा फूटा हुआ कहीं से नहीं होगा इंशाल्लाह। सब चीजें चेक करने के बाद पिंजरा कलर होता है, ऊपर वाली कॉलोनी है, नीचे 1, 2, 3, 4, 7 खाने हैं टोटली।
ट्रे वगैरह सब साफ सुथरी है, कोई खराबी नहीं है, आप देखें। मैं देखिए और आप पहले मार्केट टच कर लें, फिर आप पिंजरा ले जाए। ये भी रेडी है वैसे, ये रेडीमेड ही, हाँ नॉर्मल मटेरियल में बनाया, जो हम नया पिंजरा दुकान से खरीदते हैं ना, ये उसी पोजीशन पे है। अच्छा उसमें भी आप जो है पिंजरे वगैरह परचेज भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं पिंजरों की? हाँ पिंजरे हम खरीदते हैं, अच्छे से अच्छे रेटों में खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई किसी कोई बेचना चाहे तो हमसे रब्ता कर ले। कोई अगर सेटअप खत्म कर रहा है और वो पिंजरे सेल आउट करना चाहता है तो आप उसे बिल्कुल खरीद लेते हैं भाई। अगर पिंजरे होंगे तो हम बिल्कुल खरीदते हैं, कबाड़ नहीं खरीदते, पिंजरे होंगे साफ। आप मुझसे ही पुराना पिंजरा ले ना, इसकी ट्रे वगैरह आप देख लें सारी साफ सुथरी है। 9,000 रुपये का पिंजरा है ये, बगैर ट्रे का पिंजरा है तो 5,000 रुपये का पिंजरा है। आप मार्केट से नई ट्रे लेने जाएं आपको आइडिया हो जाएगा एक ट्रे कितने की मिली है, 1.5x3। अगर 9,000 रुपये का है आपके पास साफ सुथरा पड़ा है, मैं आपके घर से उठाने के लिए तैयार हूँ। 6,500-7,000 रुपये, 7,000 रुपये मुझे यहाँ पहुँच के पड़ गया है। अच्छा उसाम भी, मैंने आपसे एक चीज़ और पता करनी थी, जो बॉक्सेस रखे हुए हैं आपके पास, इस बॉक्सेस की जो आप क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? वो मैंने आपको बताया था 100 रुपये का एक है। अच्छा, और जो खालिद भाई को आपने 75 के हिसाब से दिए, 75 रुपये के हिसाब से, तो हमारे जो व्यूवर्स अगर आपके पास आते हैं चैनल के थ्रू तो आप उनको भी 75 के हिसाब से ही देंगे? 75 रुपये के हिसाब से देंगे, जो टूटा हुआ होगा वो आप छोड़ दीजिएगा, दूसरा साबुत निकाल लेगा। 75 रुपये का मतलब है कि लपट के बॉक्सेस की बात हो रही है, ये रिंगनेक के और पहाड़ी के बॉक्सेस की बात नहीं हो रही है। पहाड़ी का और रिंगनेक का कितने का है? पहाड़ी का 1,000 रुपये का है पुराना बॉक्स, और ये 700 रुपये का है। कीकर की लकड़ी में बने हुए हैं, आप चेक कर लें, अच्छे बॉक्स बने हुए हैं। रिंगनेक का जो और पहाड़ी का कीकर की लकड़ी में बने हुए, और ये जो है ये किस में बने? पलाई में बने हुए हैं, पलाई में जो पलाई थी उसमें बने हुए हैं, पुराने बॉक्सेज हैं। 75 रुपये का भी दे देंगे, जो टूटा हुआ हो वो आप छोड़ दें, उसे कोई मसला नहीं, छाटी करके ले लें आप, कोई मुश्किल नहीं, अपनी मर्जी से छाटी करके आप ले सकते हैं। हाँ 75 रुपये का, जो टूटा हुआ होगा वो आप छोड़ दें, उसको दूसरा कोई निकाल लें। चलो स्वामी बहुत बहुत मेहरबानी अपना टाइम देने के लिए, हमारी व्यूअर्स हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आज स्वामी ने दुकान द्वार से खुली है रात में, और माल सारा बाहर निकाल के हमसे वीडियो वगैरह शेयरिंग करिए, माल के अंदर क्या क्या चीज़ इनके पास आई हुई है, और माशाल्लाह अच्छी चीज़ें इनके पास आई हुई हैं भारी मटेरियल में, जो कि हमें मार्केट में नहीं मिलती, ऑर्डर पर बनवानी पड़ती है। तो जिन जिन दोस्तों को चाहिए वो शाम भी से रब्ता कर सकते हैं। शाम भी आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेस वगैरह जो है? ये गरीबाबाद टायर मार्केट के पीछे वाली गली में हमारा गोदाम है, वैसे तो अक्सरियत लोग जानते हैं गरीबाबाद भी, जो पिंजरे की मार्केट है। जैसे ही आप हसन लालू खेत से आ रहे हैं, यहाँ से जो रोड गरीबाबाद को मुड़ता है, जैसे ही आप टर्न करेंगे तो उल्टे हाथ की पहली गली के अंदर गोदाम है, राजा अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे, टायर मार्केट की बिल्कुल पीछे वाली गली के अंदर। और कोई कॉन्टेक्ट वगैरह करना चाहे? 0324-2491-106। अच्छा आप जो है सिर्फ कराची के अंदर ही काम करते हैं, कराची से बाहर नहीं करते? इतवार के दिन गोदाम खुलता है, सिर्फ इतवार को खुलता है भाई, 8 इतवार के बाद इस हफ्ते में हमने गोदाम खुला है कल इंशाल्लाह। पहले ये होता था कि हर हफ्ते गोदाम खोला जाता था, अब जब पिंजरे आएंगे तो जब ही तो गोदाम खोले, जब माल ही नहीं आएगा तो गोदाम बंद रहता है। अच्छा और जो ये कहते हैं कि अगर किसी को चाहिए हो बाहर से, अगर जैसे आना चाहे तो आपके पास आगे फिर लेके जाएं? आगे फिर लेके, हम कार्गो वगैरह नहीं कराते भाई, कार्गो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, कि फिक्स पिंजर होते हैं, यहाँ से कराची से बाहर बहुत मुश्किल हो जाती है इसको बेचना। वैसे फोल्डिंग वगैरह भी आपके पास आते हैं? फोल्डिंग आते हैं तो वो ज़रा आसानी रहती है, मगर ये फिक्स पिंजर और फिक्स पिंजर नहीं जाते। चलें व्यूअर्स अब हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और अगर कोई और चीज़ उसाम भाई के पास आने वाले हफ्ते में अगर आई तो हम आपको दिखाएंगे, और उसाम भी से उसके रेट वगैरह चीज़ के मटेरियल वगैरह के बारे में अपडेट आपको लाजमी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।